हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय सेल्फ भाग्यश्री। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक दैट इज इलस्ट्रेशंस ऑफ स्टडी नोट नंबर 2 ऑफ सीएमए फाइनल पेपर नंबर 19। टुडे वी विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 7। द कॉस्ट अकाउंटेड ऑफ ट्रेंसेस टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड हैज अराइव एट द प्रॉफिट ऑफ 20,10,500 बेस्ड ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यानी कि हम लोग को कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट इज 22,14,100। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हम लोग को दिया हुआ है। उसके बाद एज अ कॉस्ट ऑडिटर यू फाइंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंट एंड द कॉस्ट अकाउंट्स। यानी कि हम लोग को डिफरेंसेस दिया है, दोनों भी प्रॉफिट दिया हुआ है और हम लोग को डिफरेंसेस दिया हुआ है। उसके बाद बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बिटवीन द टू अकाउंट्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यानी कि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोग को बनाना है। तो हमारा चॉइस है, हम लोग को चाहिए तो हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट लेके भी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं या फिर फाइनेंशियल प्रॉफिट लेके भी बना सकते हैं। तो इधर हम लोग प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ये हम लोग लेंगे, दैट इज 22,14,100, ये वाला प्रॉफिट हम लोग लेंगे और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। सो लेट स्टार्ट द आंसर। इधर हम लोग ने फॉर्मेट बना के लिया है। सो इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 22,14,100। ओके, उसके बाद एक एक डिफरेंसेस हम लोग लेंगे और देखेंगे कि ऐड में आएगा कि लेस में आएगा। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट 2,05,000। अभी हम लोग को पता है कि जब भी ऐसा फिक्स असेट या फिर कौन सा भी असेट हम लोग सेल करते हैं तो उसका प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो फाइनेंस में रिकॉर्ड होता है। तो इधर क्या हुआ है ना कि प्रॉफिट हुआ है, सो प्रॉफिट की वजह से ओवरऑल फाइनेंस का जो भी प्रॉफिट है ना वो बढ़ गया है। ओके, फाइनेंस का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है। ओके, अगर हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ फिक्स असेट वाला प्रॉफिट हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। ओके, तो इसका आंसर लेस में आएगा। सी, लेस में प्रॉफिट, लेस में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ फिक्स असेट दैट इज 2,05,000 हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ओके, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वही लॉजिक है। सो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हम लोग का फाइनेंस में रिकॉर्ड हुआ है, तो ये लॉस की वजह से क्या हुआ, फाइनेंस का ओवरऑल प्रॉफिट कम हो गया लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी लॉस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा है। फाइनेंस में लॉस की वजह से प्रॉफिट कम हुआ, कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं रिकॉर्ड है लॉस, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को फाइनेंस में ये अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। हम लोग फाइनेंस में ऐड करेंगे क्योंकि हम लोग ने स्टार्टिंग में फाइनेंस का प्रॉफिट लिया है। सो फाइनेंस में हम लोग वो प्रॉफिट ऐड करेंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो इसका आंसर ऐड में आएगा, दैट इज 33,600। सो ऐड में लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज 33,600। उसके बाद नेक्स्ट इज VRS, दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन इंक्लूडेड इन सैलरी एंड वेजेस इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन का जो भी एक्सपेंस रहता है वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को पे करती है, सो इट इज़ अ एक्सपेंस। सो ये जो एक्सपेंस है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है। तो फाइनेंशियल अकाउंट में ये एक्सपेंस की वजह से क्या हुआ, ओवरऑल फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो गया लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं होता है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को फाइनेंस में अमाउंट ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो इसका आंसर ऐड में आएगा, सो ऐड में 50,25,000। सी, ऐड में VRS इंक्लूडेड इन सैलरी एंड वेजेस इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो इसका अमाउंट है 50,25,000। उसके बाद नेक्स्ट डोनेशन पेड, डोनेशन पेड बोला है, पेड यानी कि एक्सपेंस होता है। तो फाइनेंस में क्या हुआ, ये डोनेशन पे करने की वजह से ओवरऑल प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि कॉस्टिंग में ऐसा डोनेशन वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है, सो फाइनेंस में ये डोनेशन की वजह से प्रॉफिट कम हो गया। कॉस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है तो प्रॉफिट ज़्यादा है। तो अगर हम लोग को इन दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में अमाउंट ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर ऐड में आएगा, अमाउंट इज 75,000। सो ऐड में डोनेशन पेड 75,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज इंश्योरेंस क्लेम रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर।
सो लास्ट ईयर जो भी इंश्योरेंस क्लेम हम लोग ने किया था उसका रिसिप्ट हम लोग को इस ईयर करंट ईयर में हुआ है. सो रिसीव हो गया ना ये इंश्योरेंस क्लेम, तो हम लोग का इनकम ज़्यादा हुआ. इनकम ज़्यादा होने की वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी इनकम ही नहीं है, तो इसी की वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है. तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से ये जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव है वो माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए. सो इसका आंसर लेस में आएगा, अमाउंट इज़ 5,08,700. सो रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर लेस में हम लोग ने लिखा है अमाउंट इज़ 5,08,700. ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटी. अभी ट्रेडिंग एक्टिविटी बोला है तो वो तो फाइनेंस में ही होता है, कॉस्टिंग में ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होता है, उधर सिर्फ कॉस्टिंग का हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं. सो प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटी दैट इज़ 32,02,430. ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट की वजह से क्या हुआ, फाइनेंस का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी प्रॉफिट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है. तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से ये ट्रेडिंग प्रॉफिट हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए. सो इसका आंसर लेस में आएगा, सी लेस में प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटी लेस में हम लोग ने लिखा है, सो अमाउंट इज़ 32,02,430. ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स. सो इंटरेस्ट इनकम बोला है तो इनकम की वजह से क्या हुआ, फाइनेंस में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा इंटरेस्ट हम लोग किधर भी रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो कम है. अगर दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से हम लोग को ये इंटरेस्ट इनकम माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए. सो इसका आंसर लेस में आएगा, अमाउंट इज 6,15,000. सो लेस में इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट 6,15,000. ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज सी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड एज पर कॉस्ट अकाउंट्स. ओके, तो हम लोग का जो भी स्टॉक रहता है उसमें इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ है वो हम लोग को दिया है. सो फाइनेंस में 3,82,00,000 का अमाउंट है और कॉस्टिंग में 3,90,00,000 का अमाउंट दिया हुआ है. तो इधर क्या है ना, ये हम लोग का क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी और फिनिश गुड्स है. ओके, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी में डिक्रीज कितना हुआ है वो हम लोग को दिया है. सी इधर डिक्रीज दिया है तो हम लोग को ध्यान से करना पड़ेगा. सी फाइनेंस में क्या हुआ ना, 3,82,00,000 से डिक्रीज हुआ है और कॉस्टिंग में 3,90,00,000 से डिक्रीज हुआ है. तो इसमें डिक्रीज है ना, कॉस्टिंग में ज़्यादा डिक्रीज हुआ है क्योंकि फाइनेंस में कम अमाउंट है और कॉस्टिंग में ज़्यादा है. सो ये थोड़ा सा समझ के करो क्योंकि ये अगर गलत आ जाएगा तो फाइनल जो भी फिगर है वो हम लोग का गलत आ सकता है. इधर ध्यान से करना है. सी डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक बोला है. सी फाइनेंस है, कॉस्टिंग है, इसमें हम लोग स्टॉक का देख रहे हैं. सो फाइनेंस में 3,82,00,000 से डिक्रीज हुआ क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन कॉस्टिंग में 3,90,00,000 से डिक्रीज हुआ. इसका मतलब कॉस्टिंग में ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, फाइनेंस में थोड़ा कम डिक्रीज हुआ है. अभी ये जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है ना वो इनकम होता है कंपनी का, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं, क्रेडिट में सारे इनकम्स होते हैं. सो इसी लॉजिक से क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का इनकम होता है. तो इधर क्या हुआ है, फाइनेंस में थोड़ा कम डिक्रीज हुआ है और कॉस्टिंग में थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज हुआ है. कॉस्टिंग में इनकम ज़्यादा डिक्रीज हुआ, फाइनेंस में कम डिक्रीज हुआ. इसका मतलब फाइनेंस में इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है, कॉस्टिंग में कम रिकॉर्ड हुआ है. तो फाइनेंस में इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड होने की वजह से प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ है, लेकिन कॉस्टिंग में इनकम कम रिकॉर्ड हुआ तो प्रॉफिट भी कम हुआ. अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को फाइनेंस में से इन दोनों अमाउंट्स के बीच का डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 3,90,12,500 माइनस 3,82,06,430. सो हम लोग का डिफरेंस आ जाएगा 8,06,070. तो ये हम लोग को लेस में लिखना चाहिए. तो लेस में डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक्स हम लोग चाहिए तो इधर लिख के रखते हैं कैसे हम लोग ने फाइंड आउट किया है. दैट इज 3,90,12,500 माइनस 3,82,06,430. ओके,
डिफरेंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 8,06,070। तो हम लोग का सारा जो भी डिफरेंसेस था वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। इधर हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी सिंपली हम लोग को इधर एड लेस करना है और फाइनल फिगर फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एड वाले फिगर्स का टोटल फाइंड आउट करेंगे और वो इधर आउटर में लिखेंगे। सी इधर हम लोग का टोटल आ गया 51,33,600। सो ये जो 22,14,100 है उसमें हम लोग 51,33,600 प्लस करेंगे क्योंकि ये ऐड का फिगर है। सो ऐड करने के बाद फाइनल अमाउंट आ जाएगा 73,47,700। उसके बाद हम लोग ये जो भी लेस वाले फिगर्स है उसका टोटल लेंगे और आउटर में लिखेंगे। और ये लेस वाले फिगर है सो इसीलिए हम लोग इसको ब्रैकेट डालेंगे। सो इसका टोटल आता है 53,37,200। अभी सिंपली हम लोग को ये जो अमाउंट है उसमें से ये टोटल माइनस करना है तो हम लोग को प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मिल जाएगा। सो इधर हम लोग का अमाउंट आ गया 20,10,500। दिस इज़ योर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।